ऐसा गोली होता है। आप लोग क्या करते हो, आप पहले आगे वाला आसन ज्वाइंट करते हो, फिर पीछे वाला ज्वाइंट करते हो और फिर साइड साइड वाली सिलाई लगाते हो, है ना। मैं ऐसा नहीं करती, मैं पूरा पैंट रेडी कर देती हूँ और आसन को सबसे लास्ट में ज्वाइंट करती हूँ। आज हम वही चीज सीखने वाले हैं कि पैंट में, पैंट को जब स्टिच करते हो आप लोग तो क्या क्या गलती करते हो। सबसे पहले तो जो राइट वाला पार्ट है इस साइड में, पैंट के फ्रंट पार्ट वाला जो राइट वाला पार्ट है, यहाँ पर हमें पॉकेट लगानी है इस साइड में। और पूरे पैंट पे मैंने दोनों पार्ट में, दोनों साइडों में इंटरलॉक भी कर दिया है, देखो। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे क्या लगा इस पे कपड़े का लाइनिंग है ना, ऊपर वाली जगह से बिल्कुल टॉप से आपको 2 इंच छोड़ देना है। उसके बाद यहां से यहां तक आपको मार्किंग करनी है 5.5 इंच पे या फिर 6 इंच पे, मैक्सिमम 6 इंच। हेल्दी का बना रहे हो तो आप मैक्सिमम 6 इंच बना सकते हो। अब यहां पर आपको अंदर वाली पार्ट वाली साइड 1/2 इंच करना है। 1/2 इंच हमें अंदर की साइड लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको मार्किंग करना है। इस तरीके से आप मार्क के ऊपर से ही सिलाई लगा देनी है। सिलाई को छोटा रखना है, 2 नंबर पे रखेंगे सिलाई को। दोनों साइडों में कट लगाएंगे, कॉर्नर तक कट लगाना है। उसके बाद यहां से टॉप सिम लगाना स्टार्ट करेंगे, पॉकेट के ऊपर टॉप सिम लगाना है, कपड़े पे नहीं लगाना, पैंट के पॉकेट के ऊपर लगाना है। उसके बाद पॉकेट का जो अंदर वाला पार्ट है, इसको इस साइड से आपको यहां पर अंदर की साइड ही फोल्ड कर देना है। देखो एक बार और देखो, जो हमारा उल्टा वाला साइड है, इस साइड आपको पॉकेट को ऐसे फोल्ड करना है और पॉकेट में ऊपर की तरफ एक पैर का सिलाई लगाना है। 0.25 इंच आपको लेना है सिलाई में। उसके बाद पॉकेट को सीधी साइड फोल्ड कर देंगे। अब अंदर की साइड से आप देखेंगे तो ये पॉकेट में ना हल्के हल्के से धागे निकल जाते हैं, कई बार तो बहुत ज्यादा निकल जाते हैं, तो ये ना निकले उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉकेट को जब सीधी साइड फोल्ड करेंगे तो यहां पर हमें एक पैर का सिलाई लगाना है। नीचे की तरफ शेप में, बिल्कुल इसी शेप में जिस शेप में हमने पॉकेट को कट किया था। इस तरीके से हमारी जो पॉकेट है वो अंदर की साइड से भी फिनिशिंग से दिखेगी और ऊपर की साइड से भी, और अंदर से जो धागे थे वो भी हमारे नहीं निकलेंगे। उसके बाद कपड़े को इक्वल करेंगे और यहां पर सबसे ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी जो पॉकेट है वो हमारी पैंट के ऊपर ही सेट रहे, इधर उधर ना हो। इस तरीके से सिलाई लगा देंगे ऊपर वाले पार्ट में, और इस साइड में भी हमें सिलाई लगानी है
वो सिलाई हम कैसे लगाएंगे, देखिए जैसे हमारा पॉकेट का शेप है बिल्कुल उसी के पैरेलल हमें सिलाई लगानी है, उसी के बराबर बराबर। अब जब बैक पार्ट हमें इसमें जॉइंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसी के साथ इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देंगे। हमें ये सिलाई गाइडलाइन के रूप में यूज करनी है। अब इसी साइड में हमें बैक वाला पार्ट रखना है। अब आप लोग क्या गलती करते हो, यहां पर भी आप लोग एक गलती करते हो, वो क्या है कि जब आप नीचे से ये जो साइड वाला सिलाई लगाते हो तो आप ऊपर से जोड़ना स्टार्ट करते हो पैंट को, पर आपको पैंट को ऊपर से जोड़ना स्टार्ट नहीं करना है, स्टार्टिंग करना है आपको नीचे से। नीचे से बिल्कुल इक्वल पकड़ना है ऐसे, और जो हमने साइड में कट लगाया था ये कट हमारे आमने सामने ही होने चाहिए। ऊपर से मिला के नहीं सिलाई लगानी है, फिर से बोल रही हूँ, नीचे वाले पार्ट से आपको सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। अब जो सिलाई हमने लगाई थी गाइडलाइन वाली, उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई चलानी है। सिलाई लगाई है, और दोनों पे इंटरलॉक करने का एक बेनिफिट है कि जब आप इंटरलॉक करने के बाद पैंट पे प्रेस करोगे साइड से, पहले आपको ये वाली प्रेस करनी है, देखो साइड की फिटिंग की बाद में सिलाई लगानी है, पहले आपको ये प्रेस करना है, दोनों साइडों से मार्जिन को इस तरीके से रखना है और पूरी पैंट पे प्रेस करना है। और मैं पॉकेट का भी दिखाती हूँ आपको, पॉकेट भी बिल्कुल इस तरीके से हमारी जॉइंट हो गई है। अब दूसरे वाला पार्ट भी हम ऐसे ही जॉइंट करेंगे। ये वाली पैंट आप लोग अपनी बना के देखो जो मैंने आपको आज सिखाई है, क्योंकि कल वाली पैंट हम दूसरी टाइप की सीखेंगे, फिर वो भी आप लोग एक जरूर ट्राई करना। 0.25 इंच आपको दबाव में लेना है सिर्फ साइड से। अब उसके बाद हमें नीचे से फोल्ड करना है। मैम आपने ये जो है एक छोटा एक बड़ा जोड़ा है पहले कहाँ पे? पैंट बना रहे हो? एक आगे वाला एक पीछे वाला? ये आगे वाला है और एक पीछे वाला है। ये वाला कह रहे हो ना आप जो एक्स्ट्रा है ये यहाँ पे, ये मैं बताती हूँ आपको क्या है। ये हमारा जो लाइनिंग था वो थोड़ा सा छोटा हो गया था, तो मतलब मैंने कम लाइनिंग लिया था, तो अब मैं इसे नॉर्मली फोल्ड कर दूंगी तो पता नहीं चलेगा अंदर से कि लाइनिंग छोटा था। बैक वाले पार्ट में थोड़ा सा छोटा हो गया था लाइनिंग। नहीं, जैसे आप आगे वाली पैंट काटते हो पहले तो पीछे वाले पार्ट काटते हो, वो पूछ रही। तो ये आगे वाला है और ये पीछे वाला है। अब यहाँ पर हमने एक साइड से फोल्ड कर दिया। अब देखो आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, मिस्टेक यही होती है कि जब भी हम पैंट स्टिच करते हैं तो मैंने तो स्टार्टिंग में नीचे से फोल्ड किया है, आप गोल भी फोल्ड कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होता है हम लोग मोरी को लूज या टाइट आसानी से कर लेंगे अगर नीचे से पहले हमने फोल्ड कर लिया तो। उसके बाद अब साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। साइड की फिटिंग की सिलाई देखिए कैसे लगाते हैं, बिल्कुल नीचे से आपको इस तरीके से रखना है और ऊपर से ऐसे रखना है। अब देखिए मेरा बिल्कुल इक्वल आ रहा है, ऊपर से भी इक्वल आ रहा है, आसन के पास से भी, और यहाँ से भी नीचे से भी इक्वल आ रहा है। आप लोगों का क्या होता है? हाँ, बराबर करके नहीं सिलना।
ये बराबर करके नहीं सिलना, फिर मार्जन ही तो क्यों लिया था। अगर बाद में हमारी पैंट टाइट हो जाती है तो ये मार्जन होता है हमारा बैक साइड में। हम तो इसको मिलाकर ही सील करना। हाँ, तभी तो झोल आता है, मिलाकर नहीं करना है। ये वाला हमारा मार्जन होता है। आप देखिए साइड की सिलाई कैसे लगानी है। अब देखो यहाँ पे हम हमारी पॉकेट भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। अब हमें दूसरे वाली साइड भी बिल्कुल वैसे ही करना है पैंट के। जितना मार्जिन हमने लिया है अंदर फोल्ड करने के लिए, वहीं पे हमने फोल्ड कर दिया इसको। देखो ऐसे जो हम यहाँ पे साइड में कट लगाते हैं उस कट तक ही हमें यहाँ पे फोल्ड करना होता है। दोनों साइड में कट इसीलिए लगाते हैं ताकि अच्छे से गाइडलाइन भी मिल जाए। अब देखो फिर से हम साइड की सिलाई लगाएंगे बिल्कुल वैसे ही। और साइड की सिलाई लगाने से पहले जो दूसरे वाला पार्ट था उसको भी एक बार चेक कर लेंगे कि दोनों पार्ट इक्वल हैं या नहीं है। अब दोनों को मिलाते हुए ही हमें सिलाई लगानी है। अगर आपका पैंट टाइट हो रहा है तब आप खोल के तब इक्वल लगाएंगे ये सिलाई, नहीं तो ये वाली सिलाई बिल्कुल थोड़ी सी दूर लगानी है। मतलब बैक वाला पार्ट जो एक्स्ट्रा लिया था उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके ही सिलाई लगानी है। इससे हमारी पैंट में झोल नहीं आएगा बिल्कुल भी। आपको ज्यादा मार्जिन नहीं लेना है। अब सबसे लास्ट में हमें आसन जोड़ना है। अब देखो दोनों पार्ट्स को रेडी कर दिया है। ऐसे ही आप लोगों को भी रेडी करना है दोनों पार्ट्स को इस तरीके से। ऐसे करते हो आप लोग? ऐसे बिल्कुल रेडी करना है। उसके बाद आपको आसन जोड़ना है, फ्रंट वाले पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट से और बैक वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट से। और ये चीज देखो साइड से आपको इस तरीके से आयरन करना है। ये हमारी साइड की फिटिंग वाली है, जिस साइड ज्यादा मार्जिन है और इस साइड में हमारा कम मार्जिन है, ठीक है। ऐसे आपको आयरन करना है और दूसरे वाली साइड से इस तरीके से। ये हमारी साइड वाली सिलाई है। अब दोनों पार्ट्स को सीधा कर लेंगे। आप देखिए आसन का जो हमारा जॉइंट है दोनों साइड वाला, उनको इस तरीके से मिलाना है जैसे हम वो स्लीव्स जॉइंट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। दोनों आसन का जो जॉइंट है वो ऐसे मिलाना है इस तरीके से। और मार्जिन को वैसे ही रखना है। देखो जो ज्यादा वाला मार्जिन है उसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ऐसे, इस साइड का भी, जो दूसरे वाली साइड है इस साइड वाला भी मार्जिन हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे। और उसके बाद आप एक साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। Yeah.
जो झोल आता है या पैंट ऊपर की तरफ खिंचती है उसका एक सबसे बड़ा रीजन तो यही होता है कि आप जो साइड की सिलाई लगाते हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं लगाते हो। देखो बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन सिलाई लगी है और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको भी बिल्कुल जैसे स्लीव ज्वाइंट करते हैं वैसे आप ट्रायंगल वाली शेप में उसको फोल्ड कर सकते हो और मार्जिन भी एक इस साइड है और एक इस साइड है। ऐसे आपको पैंट को अंदर से रेडी करना है। अब सबसे लास्ट में हमें बेल्ट को लगाना है। अब देखिए बेल्ट कैसे लगाते हैं, किसी भी एक जगह से हमें लगाना स्टार्ट करना है और बेल्ट की जो चौड़ाई थी वो हमें इलास्टिक के अकॉर्डिंग रखनी है जैसा मैंने आपको बताया था। पहले हम दोनों पट्टियों को जॉइंट कर लेते हैं। अब एक साइड से लगाना शुरू करना है यहां से। सीधे वाली साइड आपको टर्न करना है और जो कपड़े का जो पैंट का जो अंदर वाला पार्ट है वहां से आपको स्टार्ट करना है पट्टी को जॉइंट करना। यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं। कहीं से भी कर सकते हैं, वो तो जॉइंट नहीं आएगा, गोलाई में ही हमें अपनी जो लास्टिक है वो जॉइंट करनी है, जॉइंट नहीं दिखेगा बाद में कहीं से भी। अगर ये लास्टिक वाली जगह पहले से ही ऊपर दो दो इंच रख लें तो कोई प्रॉब्लम होती है? हाँ नहीं रख पाओगे क्योंकि ये हमारा बैग से उठाते हैं हम, यहाँ से देखो ऐसे गोल वाली शेप जाती है तो उसकी वजह से आप बिल्कुल फिनिशिंग से फोल्ड नहीं कर पाएंगे। ये स्ट्रेट होगा तभी हमारा फोल्ड हो सकता है। जो फुली इलास्टिक होती है बैग उसमें भी यही करते हैं? आप क्योंकि बैग हैवी होता है तो बैग को हम एक्स्ट्रा लेते हैं इसी की वजह से। अगर हम बैग एक्स्ट्रा नहीं लेंगे फ्रंट और बैक पार्ट एक साथ ही कट कर देंगे उसमें फिर बैठने में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे रीजन है उसमें, बैठने में दिक्कत आएगी, झोल आएगा, ऊपर से खिंच जाएगी पैंट, अच्छे से नहीं होगा। पीछे से नीचे होने लगती है? हाँ जैसे ही आप बैठोगे वैसे ही आपकी पीछे से पैंट एकदम नीचे की साइड हो जाएगी, इसलिए बैक को एक्स्ट्रा लेना होता है पहले। अब मुझे पैंट की ड्राफ्टिंग कटिंग करके निशान लगा के आप लोगों को दिखाना है। दोनों को जॉइन कर लिया यहाँ पे। अब हमें जो ये एक्स्ट्रा पट्टी है यहाँ पर हमें उन दोनों को स्टिच करना है इस तरीके से मिलाकर बिल्कुल। और यहीं से हम इसको सिलाई लगा देंगे। गोल लास्टिक वाली कल हुक वाली बनाएंगे, कल जिप भी लगेगा हुक भी लगेगा और कल वाली पैंट में कोई लास्टिक नहीं लगेगा। विदाउट लास्टिक का बेल्ट बनाएंगे पैंट। अगर आपको कोई लाइक्रा कपड़ा मिल जाता है स्ट्रेचेबल तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे हम सलवार में बनाते हैं ना पोचे का डिजाइन बनाते हैं मोरी का डिजाइन, उसमें भी ये सिलाई जरूर लगानी होती है। इस सिलाई से हमारी आधे से ज्यादा फिनिशिंग आती है, इसी सिलाई से हमारे हाथों में भी फिनिशिंग आती है, सिलाई में भी। देखो कितने अच्छे से हमारी पट्टी फोल्ड हो गई है।